कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पॉइंट्स में। पहला, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़ियों और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा, बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इसमें हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ उसकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो फिर तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजें नहीं खाता। चौथा, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है जब सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज्यादा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसर को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा, कम्फर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा हो वो उसमें कम्फर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कम्फर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हम तो इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सीख सबसे अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।